दोस्तों आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस है, ठीक है। इसके पहले हमने चार्ज की स्टडी की थी और हमने ये जाना था कि चार्जेस जो है एक फोर्स क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है जो कि अफेक्ट कर सकती है अपने चार्जेस को जो कि सराउंडिंग में है, ठीक है। तो हमने अच्छे से इसकी स्टडी की थी, हमने गॉस लॉ के बारे में बात की थी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन की थी, ना केवल पॉइंट चार्ज के बारे में बट एक्सटेंडेड चार्जेस लाइक सर्कल, डिस्क और यू नो फाइनाइट वायर, ये सब की स्टडी करते हुए हमने ये भी जान लिया था कि मैकेनिक्स इसमें बड़े आराम से मिक्स हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स, ये सब के बारे में बात किया था। और अगर आप इसको ध्यान से अगर एनालाइज करें तो ये बहुत ही सिमिलर है लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के, इजंट इट। आपके पास फोर्स है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और यहां पर उस फोर्स के द्वारा एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो सकता है और फोर्स क्योंकि वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पे वेक्टर है, तो इस तरह से आपने कई सारे वेक्टर के कॉन्सेप्ट भी इस चैप्टर में यूज किए होंगे, ठीक है। अब सिमिलर टू वर्क पर एनर्जी दोस्तों, ये चैप्टर चार्जेस के लिए है स्पेसिफिकली, ठीक है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ये जानेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। और क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है और उसकी हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, उसी तरह से दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? द वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। और अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं तो हम इसको वर्क डन ना मानते हुए एक पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन के टर्म्स में यूज करेंगे और हम लोग फिर वर्क एनर्जी थ्योरम आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे दिया इनो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। सिमिलरली इसमें एक और साइड टॉपिक है जो कैपेसिटर है, ठीक है। उस कैपेसिटर नाम के टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि जो चार्ज स्टोर करने के लिए एक स्पेशल डिवाइस लगता है जो कि कैपेसिटर कहलाता है, ठीक है। वो कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, मल्टीपल कैपेसिटर अगर कनेक्ट कर दिए जाए तो कैसे होगा, और अगर चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर की तो कैसे बिहेव करेगा, डिस्चार्जिंग कैसे होगा, तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर कवर होगा, ठीक है। अब चलिए मैं आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट रखता हूं, आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करिए। मान लीजिए कि आपके पास ये चार्ज है, ठीक है। आप यहां पर एक और चार्ज रख दिए, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये अभी रेस्ट पे है और अगर आपने इसको रिलीज कर दिया तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है, और आफ्टर सम टाइम इन दोनों में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ओके। तो पहले तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी थी नहीं, राइट। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी और इसकी दोनों की जीरो है, ऑलराइट, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है। तो भाई एनर्जी क्रिएट हो गई क्या, काइनेटिक एनर्जी सडनली आ गई? एनर्जी तो क्रिएट हो नहीं सकती है, कुछ ना कुछ एनर्जी जो है पहले से थी इसमें जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, राइट। और वो अभी तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमको ये पता है कि वो जो भी एनर्जी है वो बेस्ड ऑन हाउ दे आर प्लेस्ड, जिस तरह से ये रखे हुए हैं, जिस तरीके से इनकी शेप, साइज, पोजीशन है, उसकी वजह से एक एनर्जी होनी चाहिए जो कि कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। अदरवाइज हमको ये बोलना पड़ेगा कि एनर्जी क्रिएट हो गई, जो कि अदरवाइज है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के, ठीक है। तो यहां पर ये चीज बड़ी क्लियर है कि एक एनर्जी जस्ट बिकॉज द वे दे आर प्लेस्ड एग्जिस्ट करती है और उस एनर्जी को बाय डेफिनेशन हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ही बोलते हैं, ओके। तो चलिए अब हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है अगर चार्ज इस तरह से रखे हुए हैं, ओके। सबसे पहले एक बात आप जान लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी एक कंजर्वेटिव फोर्स का डिफाइन करते हैं हम लोग, और कंजर्वेटिव फोर्स जो है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन होता है। तो क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ही है, के क्यूब Q1 Q2 by R square, जो कि सिमिलर है ग्रेविटेशन के GM1 M2 by R square के, जहां पे R ही एक वेरिएबल है। तो अगर ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव है तो ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। और जिस तरह से हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया था वो कुछ इस तरह से था कि वर्क डन बाय द फील्ड शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है
यही तो डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी की, राइट? और तो हम लोग इसी डेफिनेशन से अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब कि दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे, ओके? तो मान लीजिए कि आपके पास दो चार्ज हैं, ठीक है, एक चार्ज Q1 है और ये रहा Q2, ठीक है। अभी इनके बीच में डिस्टेंस समझ लीजिए R1 है, ओके? और थोड़ी देर के बाद आप Q2 को मूव कर देते हैं इस नई लोकेशन पे, समझ लीजिए, जिसका डिस्टेंस जो है R2 है, ओके? तो R1 से R2 जाने में फील्ड ने जितना वर्क किया वो हो जाएगी नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ओके? तो चलिए अब हम निकालते हैं कि फील्ड ने कितना वर्क किया, ठीक है? फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, ठीक है? तो दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस आर है तो कितना फोर्स लगेगा? फोर्स तो दोस्तों के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा, है कि नहीं? अगर इतना फोर्स है तो कितना वर्क डन होगा मुझे ये Q2 यहां से लेकर यहां तक जाने में? सिंपली हम लोग जो वर्क डन है कुछ इस तरह से लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर, राइट? और R की लिमिट होगी R1 से लेकर R2, राइट? तो F यहां पर है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहां पे जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है दोस्तों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, उसकी जो कॉस थीटा वैल्यू आएगी वो होगी 1। क्यों होगी 1? क्योंकि फोर्स इसमें रिपल्सिव है इसी डायरेक्शन में और dr भी इसी डायरेक्शन में है, राइट? तो f डॉट dr की वैल्यू हो जाएगी सिंपली f इंटू dr, क्योंकि कॉस ऑफ 0 इज 1, ओके? तो दिस इंटू dr हो गया। अब हमको इसका इंटीग्रल निकालना है r1 से r2 तक, ये आ जाएगा मेरे पास वर्क डन बाय द फील्ड। मुझे वर्क डन बाय द फील्ड निकालनी है। फील्ड क्या है? जो भी इन दोनों के बीच में फोर्स है, ओके? ये हो जाएगा के Q1 Q2 इंटीग्रल dr बाय r स्क्वायर, फाइन, r1 टू r2। दिस विल गेट ट्रांसफॉर्म टू के Q1 Q2 -1/r, तो माइनस बाहर आ गया R1 से R2, ओके? इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूं माइनस ऑफ के Q1 Q2 1/r2 -1/r1, ओके? तो ये मैंने वर्क डन निकाल लिया है। नेगेटिव ऑफ द वर्क डन will be equal to change in potential energy, that is U2 minus U1, okay? So this thing can be written as minus of K Q1 Q2 by R2 R1 is equal to, अब क्या होगा, ये तो वर्क डन है एंड नेगेटिव ऑफ वर्क डन ये हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू U2 माइनस U1, ठीक है? और अगर मैं इसको U2 माइनस U1 लिख रहा हूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि U2 इतना है और U1 इतना है? ऐसे मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि अगर मान लीजिए 6-4 इज इक्वल टू 5-3 है दोस्तों, तो आप ये थोड़ी बोलेंगे कि 6 इज इक्वल टू 5, राइट? तो ये कहना गलत होगा, राइट? तो हम लोग यहां पर क्या होगा कि अभी तक हमने सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की है दोस्तों, अभी तक हमने पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन की है, ओके? तो अब हम ट्राई करते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने की। एब्सोल्यूट डिफाइन करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? हमको पता होना चाहिए कि भाई जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहां होती है। अगर जीरो पता होगा तभी तो जीरो के रिलेटिव जो होगा वही एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, फाइन? अभी तो आपने बस डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जाना है, ऑलराइट? तो अगर R2 जाता है इंफिनिटी तो क्या होगा?
अगर r टू इन्फिनिटी गया तो ये टर्म जो है जीरो हो जाएगा, तो मैं ये लिख सकता हूं कि k q1 q2 by r1 is equal to u at infinity minus u1, ये मैं लिख सकता हूं, राइट। अब मुझे u at infinity तो पता नहीं है कितना है, राइट। तो यहां पर मैं एक assumption ले लेता हूं, क्या assumption लूंगा, मैं assumption लूंगा कि this is equal to zero। अब आप यहां पे चौके नहीं, क्योंकि कभी भी आपने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की होगी, हमेशा जीरो एक अजम्पशन होता है। फॉर एग्जांपल जब आप एमजीएच लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं कि नहीं, और बोलते हैं कि उस हॉरिजॉन्टल लाइन में पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन की जीरो है, ठीक है। सिमिलरली जब स्प्रिंग होती है, वो जब नेचुरल लेंथ की होती है, उसमें हम एज्यूम करते हैं कि उस समय पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है। तो यहां पर भी हमें कुछ ना कुछ जीरो एज्यूम करना पड़ेगा। तो इससे बेटर एजम्पशन कुछ नहीं है कि यू इंफिनिटी हमने जीरो ले लिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी एक टर्म साफ हो चुकी है, फाइन। तो इसलिए यू इंफिनिटी को जीरो लेना ज्यादा सही रहेगा। और ये जीरो लेने से आपके आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही कुछ वेरी हो सकता है। जब आप सवाल लगाएंगे, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही आएगा उसमें। तो जीरो आप कुछ भी ले लें, टोटल जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल ये स्केल है आपके सामने, मैं जीरो यहां ले लूं, यहां ले लूं, यहां ले लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस वैल्यू माइनस दैट वैल्यू विल गिव मी द लेंथ ऑफ द स्केल, ओके। अगर यहां जीरो ले लूंगा तो यहां तक समझ लीजिए माइनस सिक्स है, और यहां तक समझ लीजिए प्लस सिक्स है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, ट्वेल्व। यहां जीरो ले लूंगा तो यहां ट्वेल्व आ जाएगा, फाइन। तो अगर ये जीरो मैं एज्यूम कर लिया हूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है पॉइंट नंबर वन में, वो है के क्यू वन क्यू टू बाई आर वन, फाइन। और यही मेरी पोटेंशियल एनर्जी गोइंग फॉरवर्ड रहेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज के क्यू वन क्यू टू बाई आर, वेयर आर इज डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो ये आप याद रखिए कि पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर इज के क्यू वन क्यू टू बाई आर। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, आपको कोई कंपोनेंट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आपने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, सेम उसी तरह से ये भी है। एक डिफरेंस है यहां पे, लेकिन ग्रेविटेशन में क्या था, माइनस जी एम वन एम टू बाई आर था पोटेंशियल एनर्जी, राइट। यहां पर प्लस के क्यू वन क्यू टू बाई आर है, लेकिन दोस्तों यहां पर एजम्पशन हमारा क्या है, क्यू वन क्यू टू जो है पॉजिटिव है, राइट। और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो अट्रैक्ट थोड़ी करेंगे, रिपल करेंगे। सही कोरिलेशन ग्रेविटेशन से इस तरह से होता है कि दोनों अपोजिट साइन के होते हैं, और अगर दोनों अपोजिट साइन के होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी, फाइन। तो इस तरह से आप इसको याद रखिए, पोटेंशियल एनर्जी इज के क्यू वन क्यू टू बाई आर, वेयर वैल्यू ऑफ के एज यू माइट नो ऑलरेडी इज वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि 9 इंटू टाइम्स पावर 9 होती है एसआई यूनिट में, ओके? अब इस सिचुएशन को हम लोग थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी चीज हमेशा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो जिस तरह से हमने फिनोमेना चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के टर्म्स में समझा था, उसी तरह से सिमिलर फिनोमेना हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस सिचुएशन, मान लीजिए दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ठीक है, दोनों के जो डिस्टेंस आर हैं, और अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, कहने का मतलब है कि Q1 इंटू Q2 अगर ग्रेटर देन जीरो हैं, तो इनकी एनर्जी कैसे कम होगी। इनकी एनर्जी किस तरह से गिवन है, के Q1 Q2 बाई आर, फाइन। इनकी एनर्जी तभी कम होगी जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, क्योंकि आर डिनोमिनेटर में है, राइट। तो नेचुरल टेंडेंसी इनकी एक दूसरे से दूर जाने के लिए होगी, फाइन। लेकिन अगर मान लीजिए Q1 और Q2 दोनों अपोजिट साइन के हैं, मतलब Q1 Q2 इज लेस देन जीरो, फाइन, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के Q1 Q2 बाई आर, दैट इज लेस देन जीरो, दिस वन इज
greater than 0, okay? अगर ये Q1, Q2 less than 0 है, तो potential जी कैसे घटेगी? जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, R की value घटेगी, तो potential जी ज्यादा negative हो जाएगी, ज्यादा negative, कम negative से कम value है, ठीक है? मतलब -5, -4 से कम है, fine? तो इस तरह से हम लोग same situation, force और electric field से समझ सकते हैं, और same situation हम लोग एनर्जी से भी समझ सकते हैं, ठीक है? ओके, तो एक चीज आप यहाँ पे हमेशा याद रखिए कि भई जो हमने अभी तक जो पोटेंशियल एनर्जी निकाली है, वो पोटेंशियल एनर्जी है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है? ये कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो है पॉइंट चार्ज नहीं भी होता है तो भी ये फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला अभी आया है के क्यू एन क्यू टू बाई आर, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए आप यूज करिएगा, ओके? तो अब जो है हम लोग कुछ इसके बारे में डीपर एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे सिर्फ एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नाम का, भाई एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, इसमें कितनी एनर्जी है? अगल बगल कोई चार्ज नहीं है, एनर्जी कुछ भी नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर यहां पर एक चार्ज मैं रख दूं, ठीक है, अगर यहां एक चार्ज क्यू रख दूं, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, राइट? तो इसका कहने का मतलब यह है कि इस क्यू की वजह से यहां पे कुछ तो चेंज आया है, फाइन, या इसकी वजह से यहां पे कुछ चेंज आया है, राइट? और जो इसकी वजह से यहां पे चेंज आ रहा है वो सिर्फ इसका फंक्शन होनी चाहिए, क्योंकि जब ये नहीं था वो चेंज जीरो था और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, जैसे ही आया पोटेंशियल एनर्जी आ गई, राइट? तो हम लोग एक टर्म यहां पे डिफाइन करने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ओके? तो अगर मैं सिर्फ पॉइंट चार्ज के बारे में बात करूं, तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू चार्जेस इज के क्यू क्यू बाई आर है, ठीक है? और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज ये हो जाएगा के क्यू बाई आर, फाइन? और ये जो चीज आई है दोस्तों राइट हैंड साइड पे, दिस इज अ फंक्शन ऑफ ओनली क्यू, ऑलराइट? और ये अगर मुझे पता है राइट हैंड साइड, तो मुझे सिर्फ चार्ज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ओके? तो इसको एक स्पेशल नाम देते हैं हम लोग, पोटेंशियल, और इसको सिंबल वी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो ये लिख लीजिए, पोटेंशियल इज के क्यू बाई आर फॉर अ पॉइंट चार्ज, ठीक है? अब ये एक सिर्फ एक पॉइंट चार्ज की वजह से है, लेकिन अगर आपको बिगर चार्जेस के बारे में पोटेंशियल निकालनी है, तो जो बिगर चार्ज है उसको जो है छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर दीजिए और सबको ऐड कर लीजिए, और ये जो प्रोसीजर है इसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, राइट? तो पोटेंशियल हालांकि आपके पास पॉइंट चार्ज का आया है, आप इस फॉर्मूले को यूज करके जो है बड़े चार्जेस का भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं, फाइन? तो हम लोग अब निकालने जा रहे हैं पोटेंशियल फॉर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिनेरियोस, ओके? फर्स्ट सिनेरियो है सर्कुलर चार्ज, ओके? जो सर्कुलर चार्ज होता है, मान लीजिए कि एक सर्कल है, फाइन, इसमें चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी तरह से, फाइन, एंड इट डजंट मैटर वेदर इट इज यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके? मुझे निकालना है पोटेंशियल एट द सेंटर, तो मैं कैसे निकालूंगा? भाई मुझे तो फॉर्मूला पता है पॉइंट चार्ज के लिए, के क्यू बाई आर होता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको छोटा सा एक सेगमेंट लूंगा और इसको बोलूंगा कि ये मेरा एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है? और इस पॉइंट चार्ज की वैल्यू समझ लीजिए कि डी क्यू है, ऑलराइट? इसकी वजह से यहां पे जो पोटेंशियल आएगी कितनी होगी, स्मॉल पोटेंशियल ड्यू टू दैट डी क्यू एलिमेंट इज के डी क्यू बाई आर, ये आएगा पोटेंशियल, राइट? और अगर मेरे को टोटल पोटेंशियल चाहिए ड्यू टू ऑल, तो मुझे ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट लेके सबको ऐड करना पड़ेगा, तो बेसिकली मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा टू फाइंड द टोटल पोटेंशियल, राइट? अब 1 बाई आर भी कॉन्स्टेंट है, तो k बाई आर बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ dq,
0 टू कैपिटल Q, तो ये आ जाएगा आपके पास K Q बाई R, फाइन। एक चीज यहां पर नोट करने वाली ये है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो चार्ज नीड नॉट बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि इंटीग्रल dQ आ रहा है उसका वैल्यू तो Q होना ही है, फाइन। दूसरी चीज ये कि अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में कितनी थी, जीरो, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे हो रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इसलिए हो रही थी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, तो यहां से एक वेक्टर ऐसे आएगा और ये वेक्टर उसको कैंसिल कर देगा इस तरह से, बट क्योंकि ये स्केलर है सब ऐड होते चले गए, फाइन। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आप जरूर ध्यान में रखिए, ओके। अगर मान लीजिए ये कंप्लीट स्फीयर, कंप्लीट सर्कल नहीं होता, सिर्फ इतना होता, ओके, सिर्फ अगर इतना होता तो कितना पोटेंशियल होता, इतने में ही अगर क्यू चार्ज है तो भी यही वैल्यू आती, ओके। मैटर क्या कर रहा है कि जितना भी चार्ज है सब इक्विडिस्टेंट है एक पॉइंट से और डिस्टेंस है आर, तो कभी भी अगर चार्ज एक पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे है, कितना भी बड़ा चार्ज कैसे भी स्प्रेड हो, पोटेंशियल हो जाएगा के टोटल चार्ज बाई आर, ओके। अब हम सर्कुलर चार्ज ही ले रहे हैं लेकिन अलोंग द एक्सिस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो कुछ इस तरह से आएगा, ये रहा आपका सर्कुलर चार्ज, फाइन, और आपको निकालना है पोटेंशियल एट दिस पॉइंट जो कि डिस्टेंस आर पे है, रेडियस इसका कैपिटल आर, ओके। मान लीजिए कि यहां पर चार्ज क्यू जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे सर्कल में, ऑलराइट। तो इसको कैसे करेंगे, अगेन यहां पर आप छोटा सा एलिमेंट लेंगे इस तरह से और इसका पोटेंशियल निकालने की कोशिश करेंगे इस पॉइंट पी पे, ऑलराइट। ये जो डिस्टेंस है ये आएगी आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का अंडर रूट, ओके। क्या सारे चार्ज इतने ही डिस्टेंस पे हैं, बिल्कुल इतने ही डिस्टेंस पे हैं सारे चार्ज, तो मुझे इंटीग्रेट करने की भी जरूरत नहीं है। जो आपने अभी अभी पढ़ा था कि अगर सारे चार्ज एक ही डिस्टेंस पे हैं तो पोटेंशियल हो जाएगी के टोटल चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस, फाइन। तो यहां पे जो पोटेंशियल आएगी दोस्तों वो आएगी के टाइम्स टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फाइन। कई बार क्या होता है, गिवन रहता है कि भाई ये चार्ज की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तब आप क्या करेंगे, टोटल चार्ज को हम लैम्डा के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्यू इज लैम्डा इंटू टू पाई आर, फाइन। और के को भी आप फिर एक्सपैंड कर लेंगे, फाइन। और जब इसमें आप डालेंगे ये वैल्यूज तो कुछ इस तरह से निकल आएगा, ये आ जाएगा लैम्डा आर डिवाइडेड बाय टू इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर रेस टू पावर हाफ, फाइन। तो इस तरह से आप बड़े आराम से पोटेंशियल निकाल सकते हैं। आपको अभी तक समझ में आ ही गया होगा कि पोटेंशियल से डील करना बहुत आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों को डायरेक्शन का भी टेक केयर करना पड़ता है, ओके। अब थर्ड है डिस्क ऑफ चार्ज अलोंग द एक्सिस, फाइन। तो आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह से है, ये रही डिस्क, ठीक है, और इस तरह से आपको एक्सिस पे यहां पे आपको पोटेंशियल निकालनी है। मान लीजिए डिस्टेंस डी है ये, ओके, और रेडियस ऑफ दिस डिस्क इज आर। अब ये डिस्क है, लाइन तो रहा नहीं, तो लाइन चार्ज डेंसिटी तो हम दे नहीं सकते हैं, राइट। तो हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी देनी पड़ेगी, जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के वीडियो में समझा था उस तरह से हमने यहां पे सिग्मा ले लिया है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। और अगर ऐसा है तो मुझे निकालना है पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, फाइन। इसको मैं नाम दे देता हूं पॉइंट पी, ओके। अब इसको कैसे करेंगे, जिस तरह से हमने दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड की जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाली थी डिस्क की, उसी तरह से हम लोग पोटेंशियल भी निकालेंगे
क्या एज्यूम करेंगे कि पूरा डिस्क जो है सर्कल से बना हुआ है डिफरेंट डिफरेंट रेडियस से. ओके तो एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर अगर मैं डी आर विड्थ का एक एलिमेंट ले लूं इस तरह से, फाइन, अगर डी आर विड्थ का एलिमेंट है एट अ डिस्टेंस आर, तो क्या मैं इसमें सर्कुलर चार्ज की जो पोटेंशियल निकाली थी वो यूज कर सकता हूं? बिल्कुल, ये सर्कल ही तो है, राइट? तो ये जो डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस मेरी आएगी आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ठीक है दोस्तों, तो ये आ गई डिस्टेंस. तो मेरा पोटेंशियल ड्यू टू जस्ट दिस सर्कल ऑफ चार्ज विल बी व्हाट? के टाइम्स सर्कल में जितना चार्ज है डी क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट? डी क्यू कितना है? सिग्मा इंटू टू पाई आर डी आर, राइट? इस तरह से ये डीवी आ गया, राइट? मैं के को भी एक्सपेंड कर लेता हूं क्योंकि न्यूमरेटर में पाई आ गया है, तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया टू. सो डीवी विल कम आउट टू बी सिग्मा डिवाइडेड बाई टू इप्सिलॉन नॉट आर डी आर डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ दिस, ऑलराइट? और जो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी वो क्या होगी? जीरो से लेकर कैपिटल आर होगी, राइट? अब चलिए इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं. आपको ये समझ में आ ही गया होगा अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ना चालू कर दिया है, तो हम लोगों को आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक टी वेरिएबल एज्यूम करना पड़ेगा. तो वहां से आ जाएगा टू आर डी आर इज इक्वल टू डी टी, फाइन? सो आर डी आर विल बी इक्वल टू डी टी बाई टू, फाइन? तो दिस इंटीग्रेशन विल गेट ट्रांसफॉर्म टू सिग्मा बाई टू इप्सिलॉन नॉट व्हेन आर इज जीरो. टी इज व्हाट? डी स्क्वायर. क्योंकि मैं आर को टी में के टर्म्स में लिख रहा हूं तो लिमिट्स भी टी की वैल्यूज की आएंगी, राइट? तो जब आर कैपिटल आर है तो टी हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. दोस्तों ये हो जाएगा डी टी बाई टू डिवाइडेड बाई रूट ओवर टी, फाइन? दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा बाई फोर एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ टी रेशियो पावर माइनस हाफ डी टी, फाइन? लिमिट्स हैं अगेन डी स्क्वायर से डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तक, राइट? और इसको मैं ये लिख सकता हूं सिग्मा बाई फोर एप्सिलॉन नॉट टी रेशियो पावर माइनस हाफ विल बी टी टू पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ, और लिमिट्स आ जाएंगी डी स्क्वायर से डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. अब इस पूरी चीज को मैं यहां लिख देता हूं, वहां पे स्पेस थोड़ा सा कंस्ट्रेंट हो रहा है. जो वी आएगा मेरा दोस्तों वो होगा सिग्मा बाई फोर, अच्छा वन बाई टू से वन टू विल गो, तो दिस विल बी सिग्मा बाई टू इप्सिलॉन नॉट व्हेन यू पुट डी स्क्वायर इन टी रेशियो पावर हाफ इट बिकम्स डी माइनस द फर्स्ट टर्म, सॉरी, विल बी रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस डी. ओके, तो ये आपका पोटेंशियल आएगा अलोंग द एक्सिस फॉर द डिस्क. ओके, जब आप इसमें डी की वैल्यू जीरो डालेंगे तो आपको आ जाएगा पोटेंशियल एट द सेंटर, फाइन? चलिए अब हम नेक्स्ट कंसीडर करते हैं फोर्थ. यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल,
ओके, तो ये समझ लीजिए आपके पास स्फेरिकल शेल है, इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और रेडियस इसका आर है, ऑलराइट। अब ये तो आपको पता ही होगा कि शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर, राइट। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है दोस्तों तो पोटेंशियल को कांस्टेंट होना पड़ेगा, राइट। तो ये आप लिख लीजिए कि पोटेंशियल इनसाइड द शेल विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इज कांस्टेंट, फाइन, एंड आउटसाइड ऑफ शेल द शेल बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर, ठीक है। तो अगर मैं ये पॉइंट ले लूं और ये पॉइंट ले लूं, पॉइंट नंबर वन और टू दोनों जो है स्फीयर के अंदर हैं, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। और अगर एक पॉइंट यहां पे ले लूं, ये पॉइंट नंबर थ्री है जो कि एट अ डिस्टेंस आर है, तो उसका पोटेंशियल कितना होगा पॉइंट नंबर थ्री का, इसका पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई आर। दोस्तों ये पूरा चार्ज विल बिहेव एज इफ इट इज लोकेटेड एट द सेंटर, ओके। अब यहां पर अगर मैं पॉइंट नंबर फोर सरफेस पे ले लूं इधर, तो क्या ये फोर अंदर है या बाहर है या दोनों जगह है, मैं बोलूंगा कि ये फोर जो है दोनों जगह लाई करता है, फाइन। तो अगर ये दोनों जगह लाई कर रहा है, अगर पहले इसको एज्यूम कर लूं कि ये बाहर है, तो कितना होगा इसका पोटेंशियल, के क्यू बाई आर होगा, फाइन। तो यही पोटेंशियल होना चाहिए जब आप इसको एज्यूम करेंगे कि ये जस्ट अंदर है, फाइन। तो पूरे स्फीयर में अंदर अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो पूरे स्फीयर में अंदर यही पोटेंशियल होगा, कहीं पे भी आप चले जाइए, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द स्फेरिकल शेल, ओके। अगर आप सॉलिड स्फीयर ले लेंगे जिसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब कितना पोटेंशियल होगा, ये समझ लीजिए कि वो स्फीयर है, रेडियस आर है, ऑलराइट। आपको जानना है कि पोटेंशियल आउटसाइड कितना है और पोटेंशियल इनसाइड कितना है, मतलब आपको जानना है v एज अ फंक्शन ऑफ r, वेयर r इज लेस देन कैपिटल r एंड व्हेन r इज ग्रेटर देन कैपिटल r, फाइन। तो जिस तरह से हमने दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड की एनालिसिस की थी इस पर्टिकुलर सिनेरियो की, उसी तरह से यहां पे भी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि जो पूरा सॉलिड स्फीयर है ये स्फेरिकल शेल से मिलके बना हुआ है, फाइन। और अगर ऐसा है तो ये जो पॉइंट बाहर है ना दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो पॉइंट है ये सारे स्फेरिकल शेल से बाहर है, तो सारे स्फेरिकल शेल ऐसे बिहेव करेंगे जैसे सेंटर पे लोकेटेड है, ओके। तो पोटेंशियल बाहर एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर विल बी व्हाट, फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पोटेंशियल विल बी के टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय आर, फाइन। सरफेस सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर रो है इसकी, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/4πε0 रो इनटू 4/3πr³ डिवाइडेड बाय आर, फाइन। रो इनटू 4/3πr³ आपको टोटल चार्ज दे देगा, ओके। तो 4π चला जाएगा और आपके पास आएगा रो आर क्यूब बाई 3ε0 r, फाइन। तो या तो आप इसको क्यू के टर्म में लिख लीजिए या रो के टर्म में लिख लीजिए, दोनों सही हैं, ओके। तो आपने पोटेंशियल बाहर तो निकाल ली है, अब हम जानते हैं पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर कितनी है, ओके। मान लीजिए कि मुझे यह जानना है कि पोटेंशियल इस लोकेशन पे कितनी है एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, तो
तो मुझे अगर पोटेंशियल यहां निकालनी है दोस्तों, तो अब क्योंकि मैं पूरे सॉलिड स्फीयर को स्फेरिकल शेल से बना हुआ मान रहा हूं, तो जो यहां से लेकर यहां तक शेल्स हैं उनके तो बाहर है ये पॉइंट, राइट, और जो डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन के बीच में जो स्फीयर्स हैं उनके अंदर है, फाइन। तो मैं पोटेंशियल को दो भागों में डिवाइड कर सकता हूं, फॉर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर एंटायर पोटेंशियल आई कैन डिफाइन इट एज वी इन प्लस वी आउट। दिस इन मीन्स पोटेंशियल ड्यू टू दिस एंड आउट इज पोटेंशियल ड्यू टू दिस। ओके, वी इन कितना है, वी इन हो जाएगा के इंटू रो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, फाइन, डिवाइडेड बाई आर, इजंट इट, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आर, राइट, बिकॉज ये जितने भी स्फेरिकल शेल्स हैं इनके लिए तो ये आर बाहर हो गया, है कि नहीं। तो ये हो गया वी इन प्लस वी आउट कितना होगा, ये अब हमको जानना है। ओके, ये जानने के लिए अब क्या होगा कि भाई इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। अब अगर मुझे निकालना है पोटेंशियल ड्यू टू दिस, इसके वजह से पोटेंशियल निकालूंगा तो के क्यू बाई आर आएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है जो इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर है, इस पर्टिकुलर स्फीयर के अंदर है, हर जगह पोटेंशियल वही रहेगा। तो ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल ऑफ थिकनेस लेट अस से डी आर, ये डी आर थिकनेस का अगर शेल है, इसकी वजह से पोटेंशियल इनसाइड हर जगह सेम होगी, ठीक है। तो मैं उसको लिख सकता हूं के उसका चार्ज कितना है, रो इंटू 4πr² dr, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर, राइट, के क्यू बाई रेडियस ऑफ द शेल, ऑलराइट। अब ये जो है सिर्फ इसकी वजह से है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे शेल्स होंगे यहां से लेकर यहां तक, तो मुझे यहां पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और ये शेल्स कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ये शेल स्टार्ट हो रहे हैं स्मॉल आर से और जा रहे हैं कैपिटल आर तक। ओके, तो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई अगर कर दूं तो ये आएगा प्लस अगेन 4π विल कट एंड जस्ट 1/ε0 विल रिमेन, सो दिस इज रो बाई एप्सिलॉन नॉट आर फाइन, सो दिस विल गिव मी वी इन, सॉरी दिस इज एंटायर वी, सो एंटायर वी विल बी दिस, दिस वॉज वी इन, ओके, दिस वॉज वी इन एंड दिस वॉज वी आउट, सो दिस विल बी रो आर स्क्वायर बाई 3ε0, ऑलराइट, वन आर विल गेट कैंसल्ड ऑफ, सो दिस विल बी आर डी आर ओनली, प्लस रो बाई ε0, आर डी आर इंटीग्रल इज आर स्क्वायर बाई 2, राइट, सो दिस विल बी 1/2 आर स्क्वायर फ्रॉम आर टू कैपिटल आर। ओके, तो इसको मैं फर्दर यहां पे ऐसे लिख देता हूं, वी विल बी इक्वल टू रो आर स्क्वायर बाई 3ε0 प्लस रो बाई 2ε0 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, राइट, सो पोटेंशियल कैन बी रिटन एज रो आर स्क्वायर बाई 2ε0 माइनस रो आर स्क्वायर बाई 6ε0, फाइन। तो इस तरह से आप जो है वैल्यू निकाल सकते हैं पोटेंशियल की इनसाइड द सॉलिड स्फीयर।
राइट भाई, हम लोग इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं, हम लोग पोटेंशियल क्यों निकाल रहे हैं बार बार? पोटेंशियल दोस्तों हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं कि पोटेंशियल को बस मुझे चार्ज से मल्टीप्लाई करना है और मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, राइट? क्योंकि पोटेंशियल जी का फॉर्मूला अभी बस मुझे दो पॉइंट चार्ज के बीच में पता है, लेकिन अगर मान लीजिए डिस्क और एक पॉइंट चार्ज के बीच में निकालना है तो कैसे निकालेंगे? डिस्क की वजह से पोटेंशियल निकालिए और उसको उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी बिटवीन द डिस्क एंड दैट पॉइंट चार्ज। ओके, चलिए अब हम एक और सिनेरियो कंसीडर कर लेते हैं, आखिरी वाला। तो सिनेरियो कुछ इस तरह से है, सेम सिनेरियो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम पढ़ रहे थे उस समय भी थी। ये थीटा वन नीचे वाला और ये थीटा टू और ये डिस्टेंस डी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इस वायर की लैम्डा है, ठीक है? आपको निकालना है पोटेंशियल इस पॉइंट पे, राइट? अब इसको करने के लिए अगेन हमको इस पूरी वायर को पॉइंट चार्जेस में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ पॉइंट चार्ज का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, राइट? तो वो करने के लिए यहां पर एक एलिमेंट लिया डीएल लेंथ का और इधर हम लोगों को पोटेंशियल निकालना है, राइट? ये समझ लीजिए थीटा है, फाइन। तो ये जो लेंथ है एल, अगर डी है तो एल कितना हो जाएगा? डी टेन थीटा, राइट? सो डीएल बाई डी थीटा कितना हो गया? ये हो गया आपका डी सेक स्क्वायर थीटा, फाइन। ये सब चीजें आपको यूज आने वाली है, इसको आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वीडियो देख चुके हैं तो आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे कि हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, फाइन। अगर डायरेक्टली इसका पोटेंशियल लिखने जाएं तो क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ सिंगल पॉइंट चार्जेस 1/4 epsilon naught, जो भी पॉइंट चार्ज की वैल्यू है dq, डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस, फाइन। और ये डिस्टेंस कितनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल dq कितना है? dq इज लैम्डा इंटू डीएल, फाइन। और r कितनी है? d sec थीटा, ये आ गया मेरा dv, ऑलराइट। तो dl कितना है? यहां से मेरे को dl मिल जाएगा, dl इज d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, फाइन। सो dv विल बिकम इक्वल टू 1/4 epsilon naught लैम्डा इंटू डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई डी सेक थीटा, फाइन। सो डी एंड डी गोज अवे, वन सेक थीटा गोज अवे, सो डीवी विल बी वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा sec थीटा d थीटा, फाइन। अब टोटल पोटेंशियल होगा इसका इंटीग्रल, फाइन। तो जब आप इंटीग्रल करेंगे इसका तो v जो है आपके पास आएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 epsilon naught, इंटीग्रल ऑफ sec थीटा इज log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, ओके। एंड थीटा इज गोइंग फ्रॉम माइनस थीटा वन टू प्लस थीटा टू, राइट? सो द पोटेंशियल विल कम आउट टू बी लैम्डा बाय 4 epsilon naught ln sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस ऑफ ln sec थीटा माइनस tan थीटा, बिकॉज दिस इज थीटा टू, सॉरी। जब माइनस थीटा वन डालेंगे लिमिट तो sec ऑफ माइनस थीटा इज sec थीटा, तो sec थीटा वन इट रिमेन्स एंड दिस वन बिकम माइनस tan थीटा वन। सो जब आप log a माइनस log b करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा sec थीटा टू माइनस सॉरी sec थीटा वन माइनस tan थीटा वन, राइट? तो इस तरह से आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है एक फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की वजह से, ऑलराइट? तो आप
इस सब चीजों को समझ लीजिए। हमने जो है काफी सारे डेरिवेशंस की हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस की, और आप ये देखिएगा कि मोर और लेस सारी डेरिवेशन सिमिलर है। हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं और इसको इंटीग्रेट करते चले जाते हैं टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए। ऑलराइट, थैंक यू।